दोस्तों कई बार घर में जो पापड़ का पैकेट रहता है उसमें ऐसे टूटे पापड़ रहते हैं, तो हम उसका बहुत अच्छा चाट बना सकते हैं। तो इसके लिए पहले इसको आप माइक्रोवेव में रोस्ट कर लीजिए। अगर आप माइक्रोवेव नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप कढ़ाई में इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम एक बोल लेंगे, बोल में हम ये कटे हुए प्याज डालेंगे। इसके बाद हम टमाटर और कुकुम्बर डालेंगे, जो भी आपको चाट में अच्छा लगे आप डालिए। मैंने पापड़ को रोस्ट कर लिया था माइक्रोवेव में। अब हम इसमें आधा चम्मच चाट मसाला डाल लेंगे और इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। हमने मिक्स कर लिया। अब जो पापड़ हमने रोस्ट किया था वो पापड़ आप इसमें डाल दीजिए। तो इस तरह हमने इसमें सारा पापड़ ऐड कर दिया। अब इसमें हमें नींबू का रस डालना है। तो यहाँ मेरे पास छोटे नींबू थे तो मैं एक नींबू डाल रही हूँ पूरा। नींबू का रस डाल लिया आपने। अब इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम सॉल्ट डालेंगे। आप चाहें तो इसमें रेड चिली भी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं एक चम्मच मेल्टेड बटर घी डाल रही हूँ। अब इसमें हम बारीक भुजिया डाल लेंगे और फिर इसमें फ्रेश कोरिएंडर डालेंगे। तो देखिए टूटे हुए पापड़ का भी यूज़ हो गया और एक चटपटी चाट भी बनके रेडी हो गई। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।